हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपने इलेक्ट्रीशियन जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसका जो थ्योरी का पेपर जो उसको हल करने वाले हैं। तो आज का पेपर काफ़ी जो है वो टफ आया है पिछले एग्ज़ाम की तुलना में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया था कि जो अस्वचालित विद्युत आयरन में प्रेशर प्लेट जो होती है उसका काम क्या होता है। तो प्रेशर प्लेट का जो काम जो होता है वो हीटिंग एलिमेंट को काम क्या करते हैं, प्रेशर लगा के रखता है, उसको स्थिरता प्रदान करने का काम करेगा। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगला क्वेश्चन आप इंग्लिश में डायग्राम देख लेना इसको क्या होगा। तो इंग्लिश के अंदर जब इसका डायग्राम देखोगे तो यहाँ से जो आपका इसका राइट आंसर होगा वो होगा हीटिंग एलिमेंट। इस तरीके का एक डायग्राम दिया गया आपको, और क्योंकि ये दोनों जो है वो इनलेट और आउटलेट पाइप है और बीच के अंदर आपको दे रखा है हीटिंग एलिमेंट। देखो प्रेशर रिलीज वाला जो होता है वो यहाँ ऊपर लगा होता है, और ड्रेन कवर पाइप ये हो नहीं सकता। थर्मोस्टेट होगा वो नीचे होगा, जो पानी के अंदर कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको जो डायग्राम दिया गया था ये पानी के अंदर आपसे पूछा गया था। तो अंदर जो होगा वो हीटिंग एलिमेंट होगा। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। अगला क्वेश्चन था कि हीटिंग एलिमेंट में जो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो किस कारक पर डिपेंड करेगी। तो आपको पता होगा कि आई स्क्वायर क्या होता है, आर होगा। यहाँ आपको दे रखा है कि हीटिंग एलिमेंट में उसमें ताप की मात्रा कौन सा कारक निर्भर करता है। तो यहाँ जो होगा वो करंट का क्या होगा, स्केयर होगा। यहाँ आपको रेजिस्टेंस जो है वो नहीं दे रखा, ये रेजिस्टिविटी दे रखी है। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। अगला है कि जो माइक्रोवेव जो होता है उसमें ओवन जो होता है, माइक्रोवेव ओवन में थर्मो कट आउट का काम क्या होता है। तो थर्मो कट आउट काम क्या होता है, जब टेम्परेचर है उसकी रेंज से ज़्यादा होता है तो ये काम क्या करेगा, उसको आउट कर देगा, उसको कट कर देगा सप्लाई को। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगला है कि कुकिंग वर्क जो कुकिंग रेंज जो होती है इसमें ओवन तार, ओवन की जो तार को बंद नहीं किया गया है, तो उसका संभावित कारण क्या होगा। कि इंग्लिश में देखोगे इसको जब देखोगे तो जो ओवन वायर नॉट टर्न ऑफ, यानी कि ओवन की जो तार है वो ऑफ नहीं होती, इसके पीछे कारण क्या है। अगर ढीला जोड़ होता है इसका मतलब वो जुड़ा हुआ ही नहीं एलिमेंट में, ओपन सर्किट हो नहीं सकता, गलत जोड़। यहाँ जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा टाइमर की गलत सेटिंग। कि टाइमर को अगर आपने गलत सेट कर दिया तो जिस रेंज के ऊपर आप लोग उसको क्या करोगे ओपन करना चाहते तो उस समय ओपन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ये वेट ग्राइंडर जो होता है इसके अंदर आपसे भाग पूछा गया था। तो इसके अंदर जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको मेल ग्राइंडिंग स्टोन बोला जाता है, और जो नीचे वाला होता है उसको फीमेल कहा जाता है। तो यहाँ इसका बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला है कि फ्यूड मिक्सर जो होता है वो कम गति पर चलता है, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो इसके ऑप्शन अगर आप लोग इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ आपको दो तरीके के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ जो दे रखा है कि ड्राई बियरिंग होगा या पार्सली ग्राउंड वायरिंग होगा, तो इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगला है कि विद्युत आयरन स्त्री में जब ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है तो क्या होगा। तो स्त्री जो होगी वो कपड़ों पर क्या होती है, चिपकने लग जाती है। तो इसका जो यहाँ से राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। अगला क्वेश्चन था कि जो गैस डिस्चार्ज लैंप्स होते हैं टूटी हुई स्थिति के साथ क्यों संचालित नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं इनके अंतरिक्ष सतह पर किसी चीज़ का लेपन किया जाता है तो वो अल्ट्रा वायलेट को विजुअल तरंगों में बदल देता है, दृश्य तरंगों में बदल देता है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। अगले दो क्वेश्चनों में थोड़े से डाउट है, देखो यहाँ फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर हो सकते हैं। अगला है मशीन के विपत्ति विकसित करने से पहले, यानी कि मशीन में कोई फॉल्ट नहीं आया तो उससे पहले जो नियमित अंतराल किए जाती है उसको अंतराल को, या उसमें जो रखरखाव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर देखो ए या बी में से डाउट है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ बी आंसर हो सकता है, ये आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना। अगला है कि मशीन में त्रुटि सही करने के बाद में, वो जो क्वेश्चन था उसमें त्रुटि होने से पहले आपसे पूछा गया था, उसमें ये था कि समय समय पर आपको चेक करते रहना चाहिए। और यहाँ है कि त्रुटि सही होने के बाद में मशीन का रखरखाव क्या करना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। तो यहाँ इसका ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है रखरखाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये किसी भी मशीन का जीवन काल होगा और उसकी दक्षता जो होती है उसको बढ़ा देती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। अगला क्वेश्चन था कि स्थिर वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर काम करेगा। तो यहाँ इसका फेरो रेजोनेंट जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है सर्वो स्टेबलाइजर, तो ये RRB CBT 1 के अंदर भी पूछा गया था, LP के अंदर, सॉरी CBT 2 के अंदर। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑटो ट्रांसफार्मर, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला UPS की आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो सामान्य या उच्च होती है, तो इस त्रुटि के पीछे क्या कारण क्या हो सकता है। कि सामान्य से ज़्यादा होती है, तो इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है थोड़ा सा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ भी इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत कौन सा, तो ये सभी को पता होना चाहिए, सूर्य होगा। और अगला क्वेश्चन है कि स्टीम पावर प्लांट जो होता है इसमें जो फीड वाटर जो होता है उसको गर्म करने का काम किस में किया जाता है फ्लू गैसों की सहायता से, तो ये इकोनोमाइजर या मितोपयोजक में किया जाता है जो सुपर हीटर के ऊपर लगा होता है।
अगला है डीजल पावर प्लांट में जो संचालन है, अंग्रेजी में इसको अगर देखोगे तो गवर्नर के बारे में आपसे पूछा गया कि इंजन के अंदर जब लोड कम गया ज़्यादा होता है तो उसकी गति चेंज होती है, तो उस गति को स्थिर बनाए रखने का काम करता है, तो यहाँ इसका बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है हाइड्रो पावर प्लांट जो है, हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर आपको एक सिंबल दिया गया था उसके बारे में पूछा गया था, तो ये जो सिंबल है ये सर्च टैंक का होता है, जो पेन स्टॉक जो होगा इसके अंदर जो क्या करेगा पानी वाटर हैमरिंग दोष होता है उसको दूर करने का काम करता है। अगला प्रेशराइज वाटर रिएक्टर, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के अलग अलग रिएक्टर के प्रकार है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर रहेगा कि वातानुकूलित पानी रिएक्टर का क्या लाभ होता है, तो उसमें दक्षता प्रदान कार्य क्षमता प्रदान करेगा, तो यहाँ से इसका बीस का राइट आंसर रहेगा। अगला है कौन सा जनरेटिंग स्टेशन जो होता है वो संचालन के अंदर ऑपरेटिंग के अंदर कौन सा सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी या विश्वसनीय होते हैं, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डीजल। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डिसएडवांटेज आपसे पूछा गया था कि नॉन कन्वेंशियल, इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो नॉन कन्वेंशियल जो जनरेटर होते हैं पावर स्टेशन होते हैं उनका अवर कन्वेंशियल पावर स्टेशन की तुलना में क्या लाभ होता है, तो देखो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते रहे गैर परंपरागत है उनके बारे में आपसे पूछा गया, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में हानियाँ पूछ रहे हैं, तो ये इनकी जो होती है वो ध्यान रखना कि जो जैसे आपका विंड एनर्जी प्लांट हो गया और इसके अलावा टाइडल एनर्जी प्लांट हो गया, तो ये बेस लोड के लिए कभी भी यूज़ नहीं किए जा सकते, यानी कि ये हमेशा पीक लोड पर जब इनका मौसम होता है जैसे आंधी चलती है तो वहाँ काम क्या होता है कि जो अपने बोलते हैं कि विंड एनर्जी प्लांट होते हैं उस समय वो अधिकतम पावर मतलब जनरेशन करते हैं पावर का, तो उस समय इनका यूज़ किया जा सकता है, तो वो पीक लोड पर काम करने वाले स्टेशन होते हैं। अगला है बायोगैस, तो इसका जो आप सभी को पता होगा मिथेन इसके अंदर जो होती है वो 70% तक होती है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। अगला है विंड जनरेशन की मुख्य हानि क्या है, तो विंड जो जनरेशन जो होता है पवन ऊर्जा जो होती है इसकी यही हानि होती है कि वायु जो होती है वो शक्ति जो स्थायी और स्थिर नहीं होती, तो इसका डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है टाइडल पावर जनरेशन के अंदर ये काम क्या करता है, तो इंग्लिश में अगर आप लोग देखोगे तो ये टर्बाइन जो होती है स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा में बदलने का काम करती है, और वो जो गति ऊर्जा जो होती है वो अल्टरनेटर को प्रदान की जाती है, तो यहाँ इसका बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपसे पूछा गया है कि नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा स्रोत होता है इनका लाभ क्या होता है, इनका एक ही लाभ होता है ये ग्रीन हाउस जो होता है इन प्रभाव को दूर कर देते हैं, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी। इनमें जैसे हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, इसके अलावा सोलर हो गया, इसके अलावा विंड एनर्जी प्लांट हो गया, टाइडल, तो इनमें से किसी में भी जो होता है प्रदूषण नहीं फैलाता। अगला आपको इंसुलेटर के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर रहेगा वो सस्पेंशन रहेगा, अगर ये केवल एक सिंगल ऐसे डिस्क बना देता तो ये डिस्क होता, लेकिन आपको इस पूरी लड़ी दिखाई है तो इसको सस्पेंशन या झूला टाइप बोलोगे। अगला क्वेश्चन था कि ऐसी पावर ट्रांसफर जो करते हैं उसका मेन लाभ क्या होता है, तो इसमें वोल्टेज को आप आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा। अगला ACSR जो है इसका पूरा आपको नाम पूछा गया था, तो इसका एल्युमिनियम कंडक्टर और स्टील रेनफोर्स इसका राइट आंसर रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा, तो यहाँ आप डी आंसर कर लेना इसको। अगला है कि ओवरहेड लाइनों के अंदर जो क्रॉस आर्म होती है उसका काम क्या होता है, तो क्रॉस आर्म जो काम क्या करती है, कंडक्टर को इंसुलेटर जो होता है क्रॉस आर्म पर ही बांधा जाता है और फिर इंसुलेटर के ऊपर क्या किया जाता है कंडक्टर को बांधा जाता है, तो यहाँ इसका डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला अंडरग्राउंड केबलों के अंदर आपको एक डायग्राम दिया गया था, रिवाज पूछा था, तो सबसे बाहर वाली जो परत होती है तो सबसे पहले कोर होगी, उसके ऊपर क्या होता है इंसुलेशन होता है, फिर आपको पता है सीट होती है, सीट के ऊपर बेडिंग होती है, बेडिंग के ऊपर आर्मरिंग होती है, आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग होती है, तो सबसे बाहर वाला जो भाग था वहाँ उसके ऊपर लिखा था एक्स, तो सर्विंग काम क्या करेगी, आर्मरिंग की रक्षा करने का काम करती है वायुमंडलीय बदलाव से, तो यहाँ इसका सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कि अंडरग्राउंड केबलों में जो फॉल्ट होता है, चाहे ओपन सर्किट हो चाहे शॉर्ट सर्किट हो, तो उस दोष को देखने के लिए जो विधि जाँच की जाती है वो होती है कौन सी, मुर्रे लूप टेस्ट किया जाता है, और ये भी वेस्टर्न ब्रिज के सिद्धांत पर काम करते हैं। अगला है कि भूमिगत केबलों से ओवरहेड की तुलना के लाभ क्या है, यानी कि ओवरहेड जो लाइनेज होती है इसका आपको अंडरग्राउंड केबलों की तुलना में मुख्य लाभ पूछा गया है, तो इसका मुख्य लाभ यही है कि आप लोग ओवरहेड लाइनों के अंदर फॉल्ट जो होते हैं वो आसानी से ढूंढ सकते हो, तो इसका बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला लाइटनिंग अरेस्टर था, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रोड गैप। अगला एसी ड्राइव जो होता है उसकी तुलना में डीसी ड्राइव के क्या लाभ होते हैं, सॉरी एसी ड्राइव की डीसी ड्राइव की तुलना में क्या लाभ होते हैं, तो इनके जो मुख्य लाभ जो होते हैं वो यही होते हैं कि इनकी जो स्पीड कंट्रोल होती है वो वाइड रेंज होती है और इनकी जो रिस्पांस टाइम होता है वो तेज़ होता है। अगला आपको एक डायग्राम दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज़ की जाँच की गई है, तो देखो फील्ड टेस्ट और एसिडिटी टेस्ट और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट ये तो हो ही नहीं सकते थे, यहाँ क्रैकल टेस्ट हो सकता है, तो यहाँ सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये चार चतुर्थांश होते हैं
इस चतुर्थांश के अंदर मोटरिंग मोड में काम करती है, फॉरवर्ड के अंदर मोटर आगे अगर दिशा में चलती है, और जो थर्ड चतुर्थांश होता है इसके अंदर मोटर रिवर्स के अंदर चलेगी मोटरिंग मोड के अंदर, और यहाँ जो मोटर रुकने का काम करेगी फॉरवर्ड मोड के अंदर इस चतुर्थांश के अंदर, और इस चतुर्थांश के अंदर मोटर क्या करेगी रिवर्स मोड के अंदर क्या करेगी रुकने का काम करती है, ब्रेकिंग होती है इसके अंदर। तो यहाँ से जो है राइट आंसर क्या हो सकता है मुझे कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लेना। अगला, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का काम क्या होता है? तो फील्ड जो होता है उसका काम क्या होता है? तो फील्ड सप्लाई यूनिट के आर्मेचर को प्रदान करेगी आवश्यक फायरिंग करंट करेगी, या फील्ड वाइंडिंग में परिवर्तन वोल्टेज प्रदान करेगी। तो यहाँ फील्ड सप्लाई यूनिट जो होती है इसका काम क्या होता है? तो ये या तो देखो इसका देखो अगर इस तरीके से दे रखा है कि जो रियोस्टेट के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ तो ये परिवर्तनीय वोल्टेज प्रदान करने का काम करेगा, तो यहाँ इसका बी या सी दोनों में इसको एक आंसर होगा, ज़्यादा चांसेस बी आंसर होने के हैं। अगला, डीसी ड्राइव की हानि क्या है? तो डीसी ड्राइव जो होता है इसकी क्या हानि होती है? तो ये समान क्षमता के अंदर एसी की तुलना में क्या होते हैं? ज़्यादा हाई होते हैं। अगला, आपको एक डायग्राम दिया गया था, तो डायग्राम के अंदर आपका रेक्टिफायर तो हो नहीं सकता क्योंकि रेक्टिफायर आपको पहले दिखाया गया था, डीसी बस बार हो नहीं सकती, एसी बस बार भी आपको नहीं हो सकती, तो यहाँ इन्वर्टर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कि एसी ड्राइव के अंदर बेसिक ऑपरेटर पैनल में एलसीडी का काम क्या होता है? तो एलसीडी जो होती है जितने भी आप लोग धारा वोल्टेज होती है इनके सभी के आयाम को दिखाने का काम करेगा, धारा वोल्टेज कितनी है, ठीक है, तो यहाँ इसका ए सॉरी बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है कि घूर्णन दिशा में बदलाव करने के लिए एसी ड्राइव के अंदर जो बेसिक ऑपरेटर पैनल जो होता है उसमें की का कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मोटर को उल्टा घुमाना है, तो मोटर जिस दिशा में चल रही है पहले तो अपने ऑफ़ करेंगे, और ऑफ करने के बाद में रिवर्स दिशा में उसको क्या करेंगे ऑन करेंगे। तो चार ऑप्शन में से आपको यहाँ आपको पता है कि चारों में से एक ऑप्शन आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इसका जो बी इसका रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। चार पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउटफुल है, बाकी आप लोग निश्चित रहे कि जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सही रहेगा। अगला है कि प्रोग्राम और जो डाटा बटन का क्या उद्देश्य है? तो इसका भी मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से देख लें। अगला क्वेश्चन था कि एक डायग्राम दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि जो पैनल वायरिंग के अंदर जो यूज़ की जाती है वो कौन सी चीज़ होगी, तो यहाँ इसका क्रोमेट जो होगा वो राइट आंसर रहेगा, वैसे इसका क्रोमेट होना चाहिए था, यहाँ पे क्रोमेट आया क्वेश्चन के अंदर। अगला है कि एक मशीन जो होता है इसकी गतिशील भाग के साथ एक चीज़ चलती है तो उसको नाम होता है लिमिट स्विच, तो ये इसका बी इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि कंट्रोल पैनल के अंदर जो डिन रेल जो होती है ये काम क्या करती है? तो ये सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, इनको जोड़ने का काम करेगी, तो यहाँ उच्च पावर सर्किटों को सहायता स्थापित करती है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला, निम्न में से कौन सा अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालनों को नियंत्रित करता है? तो मतलब एक सिक्वेंस के अंदर एक जो जितने भी ऑपरेशन जो करते हो आप लोग ऑपरेट करने का काम करता है, तो यहाँ टाइमर जो इसका राइट आंसर रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन जो है ये जरा सा भी आइडिया नहीं है क्या इसका राइट आंसर है। फिर है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है उसका काम क्या होता है? तो ये काम क्या करेगी, कंटेक्टर को वोल्टेज आपूर्ति को नियंत्रित करेगा का, या सहायक सर्किट को पावर की आपूर्ति प्रदान करेगा, या टर्मिनल वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने का काम करेगा। तो यहाँ इसका देखो सी आंसर हो सकता है, डाउटफुल है ये क्वेश्चन भी, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको चेक कर लेना क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। अगला है कि यदि फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर काम क्या होता है कि दबाने पर भी मोटर अपनी दिशा नहीं बदलती, तो इसका मतलब ये होगा कि जो रिवर्स कंडक्टर है वो उसमें इंटरलॉक हो चुका है, ठीक है, मतलब वो लॉकिंग हो चुकी है उसके अंदर, तो यहाँ इसका सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो आज का जो पेपर था वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, पास होने के लिए आपको जितने क्वेश्चनों की आवश्यकता होगी लगभग 40% अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो 20 क्वेश्चन आपको राइट करने होंगे। तो अगर किसी के 20 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरे तरीके से क्वेश्चन पेपर के अंदर बिल्कुल पास होगा। 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं, 5-4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल डाउटफुल है, वो मुझे भी नहीं पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो उनमें आप लोग निश्चिंत रहिए। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बताए हैं जो मैंने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो उसमें आप लोग निश्चिंत रहिए, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोग गलत बोल सकते हो। बाकी जो 5-7 क्वेश्चन है उनमें डाउटफुल है, तो आप लोग उसको अपने हिसाब से चेक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।